फ्रेंड्स बीएड फर्स्ट ईयर 21 से 23 का क्वेश्चन फॉर्म किस प्रकार बनना है दोस्तों, ध्यान से आप देखो यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों। आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी मार्क्स आया था, आपने जो भी इंट्रेंस एग्जाम दिया था बिहार बीएड का, आप ऊपर देख पा रहे हो रोल नंबर डालने, जितना मार्क्स ऑफ प्रिंट आया है वो डालना है। देख पा रहे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बीएड का फर्स्ट ईयर के 21 से 23 सेशन का एमएमसीपी यूनिवर्सिटी का। आइए जानते हैं इस वीडियो में किस प्रकार आपको फॉर्म भरनी है, फॉर्म भरते वक्त क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, आप देख रहे हो ऑनलाइन क्वेश्चन हब, माय सेल्फ अभिनय चौधरी, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन क्वेश्चन हब चैनल में। दोस्तों आइए देखते हैं क्या अपडेट है आप सभी के इस मॉडल में, जो अरबी बर्स यूनिवर्सिटी एंड एमएपीजीपी यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी के बीएड फर्स्ट ईयर यानी 21 से 23 सेशन के लिए बताएंगे दोस्तों क्या भी को रजिस्ट्रेशन को लेकर अपडेट है, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन की फी कितनी लग रही है। अब उसके साथ साथ जानेंगे दोस्तों कि आप सभी के बीएड जो सेकंड ईयर 19 से 21 का जो एग्जाम हो एग्जाम कब से होगा, कब से शेड्यूल आएगा। दोस्तों आपको ये भी साथ साथ बताएंगे कि किस प्रकार आपको बीएड फर्स्ट ईयर 21 से 23 रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, सब्जेक्ट कैसे चूज करोगे, ये सारी जानकारी हम आपको शुरू में देने जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पर गाइस आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट्स सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों पढ़ पा रहे आपको नोटिस आई है एमएमएससीपी यूनिवर्सिटी की तरफ से, देख पा रहे बीएड पार्ट वन सेशन 21 से 23 के लिए, देख पा रहे रजिस्ट्रेशन को लेकर के, देख पा रहे ऑनलाइन डेट आ गया दोस्तों आप सभी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने का, देख पा रहे कितना चार्ज लगेगा और कब तक आखिर सबमिट करना है कितना डॉक्यूमेंट के साथ। तो आप बताते हैं, देख पा रहे दोस्तों आपकी जो बीएड पार्ट वन जो सेशन था 21 से 23 उसके लिए देख पा रहे हो आप यहाँ पर डेट आ गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का, जो कि 15 मार्च से शुरू होगा और 30 मार्च तक चलेगा। दोस्तों देख पा रहे 15 मार्च से 30 मार्च तक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में देख पा रहे आपको 1500 रुपये को लगेंगे, विदाउट लेट फाइन का फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। उसके देख पा रहे ये सारे बीएड कॉलेजेस हुए, सारे बीएड कॉलेज के कोड हो गए, आपको यहाँ पर अपने कॉलेज का कोड यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, देख पा रहे हो ये सारे कोड है जहाँ पर देख पा रहे हो। इसमें आपको डेट ऑफ सबमिशन गिवन है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आपको कब तक आखिर सबमिट करना है, तो यहाँ पर डेट देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसी के साथ साथ देख पा रहे हो अगर आप लेट फाइन के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिएगा तो देख पा रहे आप 31 मार्च से 8 अप्रैल तक भरिएगा, जिसमें 500 रुपये आपको लेट फाइन लगेगा पर स्टूडेंट यानी 2000 रुपये लगेगा। बाकी नीचे देख पा रहे हो सारे कॉलेज का कुछ कोड गिवन है, ये सारे कॉलेजेस देख पा रहे हो ये फॉर्म भर करके डेट सबमिशन का गिवन है, ये कॉलेज को सबमिट करना है सभी डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वो समझ लो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो बीएड पार्ट वन सेशन 21 से 23 के लिए वो सबमिट करना है, ऑनलाइन होगा सबमिट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख पा रहे विल बी फिल्ड किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा कॉलेज के द्वारा, देख पा रहे दोस्तों आप यहाँ अपना फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं अपने से, ये कॉलेज आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे, देख पा रहे हो ऑनलाइन पोर्टल लिंक के मदद से, ठीक है। उनको यूजर आईडी पासवर्ड क्योंकि हमारे पास नहीं है, किसी कॉलेज के पास ही है, देख पा रहे हो सभी सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो पेमेंट लिए देख पा रहे अवेलेबल हो जाएगा, फी फिर एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट करना है दोस्तों। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो देख लो, देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने के साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करना होगा वो देखो, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जी दोस्तों अगर आपने अभी तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं निकाला है तो हमने एक वीडियो भी डाला है हमारे चैनल पर। जी दोस्तों देख पा रहे आपके किस प्रकार आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना है, ठीक है, क्या है पूरी प्रक्रिया हम बताएं इस वीडियो में दोस्तों, ये वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देख पा रहे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जमा करो। और दोस्तों एक बार एडमिशन सर्टिफिकेट आपको जो मिला था एलएनएमयू सीएट बीएड का, जो सीएट का जो एग्जाम 2021 का वो देख पा रहे हो, और सेल्फ असेस करना होगा आपको मेट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सभी का डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए। दोस्तों देख पा रहे रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया बीएड पार्ट वन सेशन 21 से 23 का, जिनका एडमिशन हुआ था अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 2021 के सेशन में, तो देख पा रहे हो हमने बता दिया दोस्तों कि विदाउट लेट फाइन की आप 15 मार्च से 30 मार्च तक और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाद में लेट फाइन लगेगा 31 मार्च से 8 अप्रैल तक लगेगा लेट फाइन। दोस्तों ध्यान से समझिए आपको किस प्रकार आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है बीएड वालों का। मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम से उपलब्ध करा दूंगा, जिसे आप वहाँ से आसानी से देख के फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिल करके आपको इसको जमा करना है अपने कॉलेज में। देख पा दोस्तों यहाँ पर फीस ऊपर कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर दोस्तों ऊपर आपको जो भी मार्क्स रोल नंबर जो मिला था यानी आपको जो रोल नंबर था बीएड का जो भी इंट्रेंस एग्जाम हुआ था एलएनयू की तरफ से वो यहाँ पर ऊपर रोल नंबर लिखोगे, जितना मार्क्स आया था वो लिख लोगे। नीचे देख पा दोस्तों आपको स्टूडेंट कोड लिखने की जरूरत नहीं, अपना सेशन लिख सकते हो यहाँ पर और कॉलेज का अपना नाम पूरा लिख लोगे, ठीक है। फिर देखो
आगे बढ़ो, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के लिए है, ठीक है। अब राइट कॉलम में दोस्तों आपको यहाँ पे फोटो अपना यहाँ पे चिपका लोगे, पेस्ट कर लोगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और नीचे में आपको यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। और देख पर दोस्तों यहाँ पे अपना सेशन लिख लेना, आपका जो भी सेशन 21 से 23 हुआ। अब फिर दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा, आपका हिंदी में नाम लिखना, देवरानी स्क्रिप्ट यानी हिंदी में लिखोगे, उर्दू आता है तो उर्दू में लिखोगे, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देख पा रहे हो सी में आपको रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखना है, ब्लॉक लेटर में नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको एक स्पेस छोड़ना है, मतलब आपका नाम हुआ सपोज डैट अभिषेक कुमार चौधरी, तो अभिषेक के बाद एक स्पेस छोड़ोगे, फिर चौधरी कुमार के बाद एक स्पेस, फिर चौधरी, ठीक है। फिर फादर नेम लिखोगे उसी तरह कैपिटल में, मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ डाल दो, जेंडर चूज कर लो, आपका जो भी रिलीजन है, आप मार्शल चुकर चूज कर सकते हो, अपनी कैटेगरी ध्यान से दोस्तों चूज करना, जो भी कैटेगरी है, ब्लड ग्रुप डाल दो, फैमिली की जितनी इनकम है वो लिखोगे, और किस बैकग्राउंड से आप, अर्बन यानी होता है शहरी, रूरल मतलब होता है जो मतलब गाँव से रहने वाले, गाँव से भी बिलोंग करते हैं, नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी चूज कर लो, स्पेसिफिक नेम ऑफ अवर कंट्री का क्या नाम है, इंडिया, ठीक है। वहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क किया दोस्तों वो डाल दोगे, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल ही डाल दो, पेमेंट एड्रेस डाल दो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट। और देखो उसके बाद दोस्तों नीचे आपको आधार नंबर डालना होगा, ठीक है, आप एडमिशन कब लिए थे वो डाल दो। वो बेसिकली देखो डेट ऑफ एडमिशन आपको याद नहीं हो, आपको इसे याद तो होगा ही, आपने जब अप्लाई किया था एडमिशन लिया तो ऑफकोर्स आप डाल सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा, तो आपने जब फर्स्ट एडमिशन लिया था, फर्स्ट अपने एडमिशन का फी पेमेंट किया था, वो आपका एडमिशन का डेट ऑफ एडमिशन हो गया, ठीक है, डेट डाल सकते हो। आपको जो क्लास रोल नंबर आपको मिल गया है, कॉलेज का रोल नंबर मिल गया है, तो वो रोल नंबर डालेंगे, अगर नहीं मिला है तो आपको कॉलेज से कंसल्ट करिए। फिर देख पाओ दोस्तों सब्जेक्ट, ये ध्यान से दोस्तों चुनना, गलती मत करना। अब दोस्तों देखो बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, मान लो अगर आपने, तो दोस्तों बात करें सब्जेक्ट के बारे में, ध्यान से समझ लो, फर्स्ट ईयर का देख पा दोस्तों ये सिलेबस, वो आप सभी का कोर्स वन देख पा रहे हो, चाइल्ड हुड ग्रोइंग अप है, कोर्स टू कनेक्ट इंडिया एजुकेशन है, कोर्स थ्री लर्निंग एंड टीचिंग है, कोर्स फोर देख पा रहे हो, 5, 6 कोर्स तक का आपको तो जनरली सभी के लिए मैंडेटरी है। कोर्स 7 दोस्तों क्या होगा, आपके पेडागॉजी पेपर हो गया, जो भी स्कूल सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, इसका मतलब आपने जो भी ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट था, मान लो ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश से किया था तो दोस्तों आपका पेडागॉजी पेपर इंग्लिश होगा, मान लो ग्रेजुएशन आपने कॉमर्स से किया था तो आपका कॉमर्स पेडागॉजी पेपर होगा, या आपके पास इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स पेडागॉजी पेपर ले सकते हो, अगर ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स पेडागॉजी पेपर ले सकते हो, मान लो ग्रेजुएशन अगर आपने फिजिक्स से किया, केमिस्ट्री से किया तो उसका आपका पेडागॉजी पेपर होगा फिजिकल साइंस, ठीक है, मान लो बोटानी से किया, अगर जूलॉजी से ग्रेजुएशन किया तो आपका पेडागॉजी पेपर हो जाएगा बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आप देखो तो बीच बाकी सबका आपका EPC 1 EPC 2 EPC 3 बाकी अदर सब्जेक्ट्स हो गए। तो चलिए दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे कि मेथड पेपर आपको चूज़ क्या करना है, आपको जो भी मेथड पेपर आपको बढ़ाना चाहते हैं यानी जो आपका ग्रेजुएशन में है वही आप चूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर मेथड पेपर को चूज़ करने में अगर डाउट होगा तो कमेंट करना, फुल सेपरेट फी उस पर हम आपको अगला वीडियो बहुत ही जल्द देंगे। तो यहाँ पे मेथड पेपर 1 चूज़ करो, मान लो सपोज डैट, मान लो मेरा सपोज डैट अगर BSc फिजिक्स अगर ऑनर्स हुआ, ठीक है, मान लो तो मैं यहाँ पे मेथड पेपर क्या पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है, मेरा मेथड पेपर पहला फिजिकल साइंस हो गया, पहला मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है तो फिजिकल साइंस हो गया पहला मेथड पेपर, दूसरा पेपर मान लो मैंने ग्रेजुएशन में मैथ किया है, मेरे पास सब्सिडियरी मैथ है, मुझे मैथ भी पढ़ाना, तो मेथड पेपर यहाँ मैथ चूज कर सकता हूँ, तो आप मेथड पेपर 2 मैथ ले लो, अगर मैथ सबको अच्छा लगता है तो मैथ ले लो, ठीक है, क्राफ्ट को छोड़ देना, क्राफ्ट लेने की जो तो नहीं है, चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है, क्राफ्ट सब्जेक्ट। अब देखो देखो दोस्तों आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबको डालना है, आपने मैट्रिक कहाँ से किया था, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का यानी प्लस 2 का, ग्रेजुएशन का, और PG की है तो PG का डालेंगे, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। देख पा रहे हो सभी चीज़ डाली, कितना डिवीजन आया था, कितना क्लास परसेंटेज का पास किए, एग्जामिनेशन रोल नंबर, किस कॉलेज किस स्कूल से ये सब डिग्री लिए हो, और किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से, कोई एक ही चीज़ लिखोगे, बोर्ड का नाम तो बोर्ड का नाम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी को तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। अब आगे देख पर दोस्तों माइग्रेशन डिटेल, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो होगा, तो उस माइग्रेशन सर्टिफिकेट में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाता है, कब इशू हुआ है, ठीक है, कब पास एग्जाम किए हैं CLC का, उसमें नंबर भी देखने को मिलेगा, और कॉलेज में सर्टिफिकेट। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर कुछ, आपको माइग्रेशन डिटेल डालना होगा, आपको कॉलेज में सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर डिटेल डालना होगा, आपको कॉलेज में सर्टिफिकेट मिल गया होगा कॉलेज की तरफ से, तो आप CLC नंबर यहाँ पर डाल लोगे, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डालोगे, कब इशू हुआ था वो डालोगे। दोस्तों देख पा रहे हो ये पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसी तरह का होगा, बेसिकली जिस यूनिवर्सिटी से मिला होगा तो आपको इसमें आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसमें आपको कभी इशू हुआ, डेट ऑफ इशू, बस वो निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, और कब एग्जाम पास किए थे डेट वो, ठीक है, और CLC का यानी कॉलेज में सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डाल दोगे, किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से किए हो या किस कॉलेज से वो नाम लिखोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास तो यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स लिख दोगे BEd, ठीक है, Part 1 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल दोगे, अभी आपके पास नहीं इसको छोड़ देंगे। नीचे दोस्तों लिखेंगे आइए अपना नाम लिखेंगे, आप सॉन ऑफ डॉटर किसके हैं, अपने पिताजी का नाम लिख लोगे, ठीक है, यहाँ पे साइन कर लोगे, ठीक है, और दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना है। देख पर नीचे आपको कॉलेज यहाँ पे सब सिग्नेचर करेंगे वेरिफिकेशन के बाद। तो ये थी पूरी प्रोसेस, आपको इसी प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना था BEd फर्स्ट ईयर का जो भी शुरू हुआ है। जैसे कि मैं आपको क्या बताया, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है BEd का फर्स्ट ईयर का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो जिसके लिए हमारे चैनल के व्हाट्सएप में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना जरूर। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना।
आपने जैसे कि देखा यहाँ पर कुछ आपको कॉलेज कोड देखने को मिल गया था कि कॉलेज कोड आप कैसे चेक करोगे, कैसे पता आपको आपके कॉलेज का क्या कोड है, तो वो बताते हैं उस कैसे दी चेक करना होगा। तो उसके लिए आपको जानने के लिए आपको आना होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर mmagp.ac.in। दोस्तों आने के बाद यहाँ पर आपको देख पा रहे हो टॉप लेफ्ट कॉर्नर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है लिस्ट ऑफ बीएड कॉलेजेस, आपको उस पर क्लिक कर लो। दोस्तों 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। देख पाओ दोस्तों पूरे बीएड कॉलेज का लिस्ट आ गया जो भी कॉलेजेस इस mmagp यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। देख पा रहे फातिमा डिग्री कॉलेज है तो कोड हुआ 189। देख पा रहे बहुत सारे कॉलेज का नाम है, रॉयल हेरिटेज कॉलेज ऑफ एजुकेशन देख पा रहे हो दोस्तों, तो इस तरह का नेशनल बीएड कॉलेज ऑफ एजुकेशन देख पा रहे हो, कोड है 359। तो ये सारे इस तरह से आपको यहाँ पर अपने आपके बीएड कॉलेज का यहाँ पर कोड देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने अभी जो अपडेट नोटिस आई है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो यूनिवर्सिटी के जो नोटिस आपने जो पढ़ा है इस नोटिस को हम अपने टेलीग्राम से डाल देंगे। दोस्तों आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, जिसके लिए आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइएगा, कोई भी अपडेट आता है इस mmagp यूनिवर्सिटी की तरफ से उसकी भी जानकारी आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिलेगी। दोस्तों अब आप बताते हैं आखिर बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम कब होने वाला है शुरू। दोस्तों बात के देख पा रहे कुछ दिन पहले ही बीएड फर्स्ट ईयर का जो आप जैसे कि आपने देखा कि 20 से 22 का किस प्रकार एग्जाम लिया गया, देख पा रहे हो अचानक से रैंडमली 5 मार्च उनका एग्जाम स्टार्ट हो गया। अभी भी फिलहाल उन सभी का भी एग्जाम चल रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ बाकी है वो भी खत्म हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों फर्स्ट ईयर एग्जाम 22 तक तो बेसिकली चल ही रहा है, खत्म हो जाएगा 20 से 22 का, ठीक है फर्स्ट ईयर का। अब देखो सेकंड ईयर का दोस्तों एग्जाम होगा बीएड सेकंड ईयर का 19-21 सेशन वाले का, तो दोस्तों आप सभी का एग्जाम अभी अटेंड रहिए, 24 या 25 मार्च के बाद से आप सभी का भी एग्जाम शुरू हो जाएगा, आपको डेट शेड्यूल आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट जो कि आई थी mmagp यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना भूले, और भी आगे नई अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।